कि जलसी है और गुस्सा है और क्रोध है, किस किस को आता है ये? किस किस को आता है? सभी को आता है। अच्छा, निकालना है ये, सही निकालना। बस बात ये है कि अगर महावीर के पास जाते हैं और महावीर से अगर ये प्रश्न पूछते हैं तो महावीर क्या जवाब देते हैं? वही जवाब दो कि मेरा नकली जवाब दो, असली जवाब चाहिए कि नकली जवाब चाहिए? कौन सा जवाब चाहिए? पक्का असली, सही कि सुनने में अच्छा लगे वो? थोड़ा कड़ा जवाब है, असली जवाब कड़ा होता है, नकली जवाब तो बड़ा शुगर कोटेड होता है, अंदर में तो कड़वा होता है पर ऊपर से शुगर कोटेड होता है, वैसा जवाब नहीं चाहिए, कड़क जवाब चाहिए। ये एक सीधी सी बात है महावीर के लिए, अगर आपको जेलेसी से दुख होता है ये सही है? थोड़ा सा अपने आप को पूछ लो कि उसमें भी सैटिस्ट है, उस दुख में भी हमको थोड़ा सा क्रोध में सचमुच में दुख होता है या क्रोध से सचमुच में थोड़ा बहुत अंदर से क्या मिलता है? क्या मिलता है? जो सैटिस्ट है, जो दुख वाली है, इसका मतलब है हमें उसमें जेलेसी में भी सुख मिलता है, क्रोध में सुख मिलता है, नहीं तो हम कभी भी उस तरफ में ना जाते। हमें अंदर में उससे एक सुख लेने की एक गलत आदत बन गई है, इसलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। महावीर कहते हैं जिस दिन ये भी तुम छोड़ना चाहोगे एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण नहीं लगेगा कि आप उसको नहीं छोड़ोगे। कल्पना करिए कि ऐसी जगह चुप है कि वहाँ पे फायर है, जाएंगे तो वहाँ पे जल जाएंगे, तो हम हिम्मत करेंगे वहाँ पे जाएंगे? कोई कहेगा वहाँ पे शेर बैठा है, बाहर नहीं जाना है, हम जाएंगे वहाँ पे? बाघ से, आग से, सांप से, इवन मच्छर, वहाँ मच्छर है, वहाँ जाना ठीक नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। वहाँ बीमारी का घर है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता है वो हमें दुख देगा। कभी आपको द्वेष से, घृणा से, वैमनस्य से, जेलसी से ऐसा कभी भय लगा कि जन्मी जी सा नहीं लगा है कभी? और जब तक नहीं लगा है तब तक बस इतना ही करो, रहने दो उसको अंदर में, नहीं छोड़ पाओगे, नहीं छोड़ पाओगे। और नहीं छोड़ पाओगे तो इतना ध्यान रखो कि वो आपको तकलीफ ना दे, उतना ही क्रोध करो जो क्रोध आपको क्या करे, उतना ही क्रोध करो कि जो आपको नुकसान ना पहुंचाए, उतनी जलसी करो कि जो आपके जीवन को ना जलाए, उतना ही करो कि जितना थोड़ा सा करो, थोड़ा सा थोड़ा जो ऐसा लगे कि भाई धर्म करते, गुरु करते, शास्त्र करते, तो जब आ ही जाते हैं अपने द्वार पर मांगने के लिए तो हम क्या कर देते हैं? थोड़ा सा इच्छा हो ना हो, हम उनको क्या करते हैं, अभी मुझे कुछ चढ़ाओगे कि नहीं, दान दक्षिणा कुछ दोगे कि नहीं, मुझे अभी गुरु ने मांग लिया है तो मुझे वो थोड़ा सा आपकी जलसी, मैं फूल नहीं मांग रही हूँ, मैं आपके घर के उस आपके और कोई चीज़ नहीं मांग रही हूँ, बस आपकी जीवन की जो गांठें हैं उनको मुझे थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मत दो, थोड़ा थोड़ा दे दो, कोई मांगता है तो उसको कुछ नहीं देना चाहिए, तो गिफ्ट के रूप में आप मुझे बता दो।